डॉक्टर ज्योति, आपसे समझना चाहेंगे कि आंकड़े बता रहे हैं कि विकसित देशों में हर 1,000 बच्चे में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है, वहीं भारत में यह आंकड़ा 700 में से एक का है। ऐसे में दुनिया भर के लिए डाउन सिंड्रोम कितनी विकराल समस्या है और इसे अगर हम देखें तो किस तेजी के साथ बढ़ रही है। जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में भी देख रहे हैं कि पहले जहां इतने डाउन सिंड्रोम के बच्चे नहीं आते थे, अभी काफी बच्चे स्कूल्स में आने लगे हैं। और एज पर पॉलिसी सब स्कूल्स को इंक्लूजन करना है, इसलिए जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उसी में ही बच्चे आते हैं और वो स्पेशलाइज स्कूल्स में नहीं जाते। और बात यह है कि वो जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ पाएंगे, पर उसके साथ साथ जितनी एक्टिविटीज वो बच्चों के साथ कर सकते हैं, जितना सोशल इंटरेक्शन वो बच्चों के साथ कर सकते हैं, उतना उनके बिहेवियर में भी बेटर हो जाते हैं बच्चे। साथ में बच्चों को हम स्किल्स दे सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज दे सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस चीज में अच्छा है, कौन सी दक्षताएं उस बच्चे में विकसित करी जा सकती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम बच्चों का की देखभाल करते हैं स्कूल में। पर पहले हम लोग बहुत कम देखते थे, या तो स्पेशलाइज स्कूल्स में ही जाते थे, नॉर्मल स्कूल्स में बच्चे कम बाकी बच्चों के साथ पढ़ने के लिए आते थे। शायद पेरेंट्स को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि वो बच्चे बाकी बच्चों के साथ अच्छे से रह सकते हैं और वो सिक्योर फील करेंगे और उनका बिहेवियर भी जो बाकी बच्चों का है, वो जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं उनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा। पर अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इंक्लूजन का मैंडेट दिया है, CBSE ने मैंडेट दिया है, पूरा एक्ट बन गया है, इसलिए बच्चे अब हमें स्कूलों में ज्यादा दिखाई देते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि स्पेशल एजुकेटर्स रखें, बाकी बच्चों को भी सेंसिटाइज करें, सभी एक्टिविटीज में बच्चों को इंक्लूड करें। अलग अलग स्किल सब्जेक्ट्स हम इन बच्चों के लिए लेके आए हैं, वो स्किल सब्जेक्ट्स बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे कंप्यूटर्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे हाथ से जैसे खाना बनाने में अच्छे होते हैं, होम साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे और स्किल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो काफी इन लोगों को फायदा होता है बच्चों को स्कूल में आके।